End of World War II, the world got divided into different blocks. Unfortunately, Cold War ensued between USA and USSR. And Western European countries that believed in democracy and capitalism. The second Welcome Tahir Ahmad Mir, DDC member, Kanji Ola. Every golden card holder is liable, is actually eligible to get free treatment in any hospital. आज का जो ये प्रोग्राम था ये नेहरू युवा केंद्र ने यहाँ मुनक़द कराया था। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो पहले से ही चल रहा था जी। लेकिन मैं पहले ये एक बात कहूँगा कि हमारे शुपियन में इसका सेंटर नहीं है लेकिन पुलवामा से ये ऑपरेट हो रहा है, तो उन्होंने त्राल में भी किया और हमारे यहाँ शुपियन में भी किया। और आप खुद देख रहे थे कि कितना कामयाब प्रोग्राम था। बच्चे काफ़ी 500-600 बच्चे जो यूथ थे, वो जगह भी नहीं थे हमारे ऑडिटोरियम में उससे ज़्यादा, तो वो सारे बच्चे जो है उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। बेसिकली इसका मकसद ये है क्योंकि आज जो ये मना रहे हैं इसको एक ज़्यादा अहमियत इसलिए है क्योंकि ये हमारे G20 जो यहाँ हो रहा है उसके मुनासिबत से मनाया जा रहा है। उसका ये मकसद है कि जो ये G20 का समिट हो रहा है हमारे इंडिया में, और इसमें हम खुशकिस्मत है कि हमारे कश्मीर में भी इसके कुछ सेशंस होंगे, तो उस हवाले से आप देख रहे हैं कि इसका मकसद एक होता है कि जो ये यूथ पार्लियामेंट होता है इसका एक ही मकसद होता है कि ये जवानों को जुड़ाना है और पॉलिटिशन के साथ मिलाना है कि वो देखते हैं कि उनको पार्लियामेंट तक हम ले जाते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पार्लियामेंट टाइप का बन जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जो लोकल इश्यूज है वो कैसे आप उभारेंगे, लोकल इश्यूज कैसे उभारेंगे और कहाँ कहाँ राइट प्लेटफार्म है जहाँ आप अपनी बात को मनवा सकते हैं, जहाँ अपने आप बात को पहुँचा सकते हैं। जो भी आपको अपने सोशल मसाइल है, इर्द गिर्द के जो सोसाइटी के मसाइल है, विसिनिटी के मसाइल है वो। दूसरा इसका मकसद होता है कि बच्चों में एक टॉलरेंस पैदा करना और उनमें एक पेशेंस पैदा करनी है, क्योंकि जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो उसमें कभी कभी बात तेज़ी तक भी हो जाती है, उसमें कुछ मतलब इंसान अपने हवास खो भी बैठ सकता है, मतलब बहुत कभी कभी ऐसी जबान भी इस्तेमाल कर सकता है जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। जब इनको हम वहाँ ले जा रहे हैं तो उनको दिखा रहे हैं कि आपको बहुत सब्र से काम लेना है, कभी जो अपोजिशन आपके जो ग्रुप जो होगा दे विल नॉट, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको उनको मोटिवेट करना है तरीके से। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बच्चों में हम मुख्तलिफ चीज़ों का एक एक मादा पैदा कर देते हैं ताकि जो हमारा यूथ है जिनको कल ये मुल्क चलाना है वो इसको सही सिमत में चला सके।